उच्चारण पाठ चार। उ ओ हिंदी में उ और ओ का अंतर अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दो शब्द सुनिए, उस ओस। अब इन शब्दों से बने दो वाक्य सुनिए। उसको बुलाओ, रात को ओस पड़ी। उच्चारण पहचान। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, इनमें उ ध्वनि है। उदास, उदास। उसका, उसका। सुलाना, सुलाना। सुन, सुन। लघु, लघु। मधु, मधु। अब इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, इनमें ओ ध्वनि है। ओक, ओक। ओस, ओस। मोर, मोर। मोल, मोल। सुनो, सुनो। बोलो, बोलो। उच्चारण अभ्यास। अब उ और ओ ध्वनि वाले शब्द बोले जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए। जैसे सुन, सुन। सोना, सोना। उदाहरण समाप्त हुआ, अब आप दोहराइए। उगाना, उगाना। उन, उन। तुम, तुम। चुनाव, चुनाव। सुर, सुर। मधु, मधु। लघु, लघु। और, और। खोल, खोल। बोलो, बोलो। जो, जो। सोचो, सोचो। इन शब्द युग्मों को ध्यान से सुनिए। सुख, सोख। सुना, सोना। उस, ओस। बुला, बोला। रुक, रोक। भुला, भोला। अब इन शब्द युग्मों को दोहराइए। सुख, सोख। सुख, सोख। सुना, सोना। सुना, सोना। उस, ओस। उस, ओस। बुला, बोला। बुला, बोला। रुक, रोक। भुला, भोला। भुला, भोला। उच्चारण परीक्षण। अब उ और ओ ध्वनि वाले शब्द बोले जा रहे हैं, उ ध्वनि को नंबर एक और ओ ध्वनि को नंबर दो कहेंगे। जैसे सुन, नंबर एक। भोर, नंबर दो। उदाहरण समाप्त हुआ, अब कुछ शब्द बोले जा रहे हैं, इनमें उ के लिए नंबर एक
तथा ओ के लिए नंबर दो लिखिए। चुप चुप, मोर मोर, सुनवाई सुनवाई, सुना सुना, तुम, कोना कोना, सोना सोना, खुर खुर, पुल पुल, खोल खोल, करो करो, चलो चलो। अब अपने उत्तर का मिलान कीजिए। एक दो, एक एक एक, दो दो, एक एक, दो दो दो। अब कुछ शब्द बोले जा रहे हैं, इनमें उ तथा ओ ध्वनियों का क्रम सुनिए। उ के लिए नंबर एक तथा ओ के लिए नंबर दो कहा गया है, जैसे सुख दुख, एक एक, सुनो, एक दो। उदाहरण समाप्त हुआ। अब इन शब्दों को ध्यान से सुनिए और इनमें उ तथा ओ ध्वनियों का क्रम लिखिए। उ के लिए नंबर एक तथा ओ के लिए नंबर दो लिखिए। रोको रोको, गोकुल गोकुल, बुनो बुनो, गुनगुना गुनगुना, सोचो सोचो, छुओ छुओ। अब आप अपने उत्तर का मिलान कीजिए। दो दो, दो एक, एक दो, एक एक, दो दो, एक दो। पुनरीक्षण। अब इन शब्दों को सुनिए और दोहराइए। उदार उदार, जुलूस जुलूस, शोर शोर, कुछ कुछ, उसूल उसूल, और उनका उनका, मोल मोल, चलो चलो, सुख सुख। अब इन पदबंधों को ध्यान से सुनिए। पुल की ओर, सोनपुर का पुल, मोर का पंख, पुजारी की चोरी, गुरुजी का झोला। अब इन पदबंधों को दोहराइए। पुल की ओर, पुल की ओर, सोनपुर का पुल, सोनपुर का पुल,
मोर का पंख, मोर का पंख। पुजारी की चोरी, पुजारी की चोरी। गुरु जी का झोला, गुरु जी का झोला। अब कुछ वाक्य बोले जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए। गुरु जी को बुलाओ। सुधा मोटी होती जा रही है। गुलाब के फूल पर ओस चमक रही है। मोर को देखकर उसका मन खुश हो उठा। पुलिस ने उमा के घर चोर पकड़ा। अब इन वाक्यों को दोहराइए। गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी को बुलाओ। सुधा मोटी होती जा रही है, सुधा मोटी होती जा रही है। गुलाब के फूल पर ओस चमक रही है, गुलाब के फूल पर ओस चमक रही है। मोर को देखकर उसका मन खुश हो उठा। मोर को देखकर उसका मन खुश हो उठा। पुलिस ने उमा के घर चोर पकड़ा। पुलिस ने उमा के घर चोर पकड़ा।